ना ही भाई, इतनी हैवी साड़ी हम ना पहन रहे। दूर और बिंदी दोनों डाल दो, गिरेगा। डाल दिए देखो, दो दो हीरोइन है उनके। हेलो गाइस, तो ये दोनों बहनें पता नहीं किसके हल्दी में जाने के लिए रेडी हो रही हैं। जितना रेडी नहीं हो रही उतना तो लड़ाई कर रही हैं। ये देखो, एक लोग पैसा ना है उसका फेंक दी, कहाँ लगाई हम बताओ। उसका डेट एक्सपायर हो गया, डेट एक्सपायर वाला लगाओ, वो की चमड़ी उज्जर हो जाए। अच्छा अब तो तू बोला सही सही जब बोल दिया है। कौन साड़ी पहन के चल, एकदम सच्ची बात बताओ। यही मैं लड़ाई मैं बोल रही हूँ, येलो साड़ी पहन के जाओ दोनों लोग हल्दी में। साड़ी हम इनके जोगी की दे दी, हल्दी में सब लोग येलो पहनते हैं। हाँ तो हम एक येलो साड़ी इनके जोगी दे दे, इनका पहन के चले को चले ना चले। तो अगर ये लोग रेडी हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लोग हल्दी वाला लुक। अभी तो फिलहाल दोनों आलसी होके, एक लोग बाल उल बना चुकी हैं, फाउंडेशन ढूंढ रही हैं, और एक लोग अभी ऐसे ही लेटी हैं। पता नहीं कब जाएंगी ये लोग, मुझे ही साड़ी निकालना पड़ेगा, तो मैं चल के मैं ही निकालती हूँ। कौन क्या पहन के जाएगा। ये दोनों बहनें बहुत झगड़ालू हैं, एक इधर एक इधर, दोनों बैठी, दोनों का सजना सवरना है। ना ही डव साबुन ढेर दिन से नहीं लगाया। ये वाला चेहरा डव साबुन नहीं लगाए, डव डव यहाँ डब कहा जाते का बोल। हाँ डब डब। हाँ उसकी स्पेलिंग पढ़ो पहले, उसका क्या नाम। डव 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 ब नहीं है, डव व व डव। हाँ हाँ, तो यहाँ वजन को वजन बोलते हैं सब यूपी वाले सब। तो बंगाल की वेस्ट बंगाल की है। वाह वाह बोला जाता है, और ये बहुत ज्यादा शुद्ध जान वही से आए, ढेर दिन हो गया है। ये हिंदी से डबल एम ए है, इसलिए शुद्ध शब्द का उच्चारण करते हैं। देखो मुंह दिन भर रगड़ रगड़ के पोछते पोछते मुंह पूरा काला पड़ जा रहा है, लेकिन पोछा ही नहीं जा रही। ना ही जम दवा पड़ती है, कुछ तो रही जात हुई ना। मौसी जी का एक येल्लो साड़ी था, जो कि मौसी जी को पूरे घर में सबसे ज्यादा वही येल्लो साड़ी पसंद था। ज्यादा करके वही साड़ी पहनती थी, तो मम्मी क्या काम की, एक जोगी वाला आया था उसको येल्लो साड़ी दान कर दी। अब इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगी, जब से आप आ रही हैं तब से अपना साड़ी ढूंढ रही हैं। वो नहीं, जैसे मन तो किया होगा पहनने का, तो आपको बोली होगी। तो पीला आज कहे हल्दी में जाते ही तो पहन ली पीली साड़ी, चिरकुट पहन के नहीं। नहीं वो वैसे भी नहीं पहन के जाने लायक था मौसी जी। मौसी मुआ कैसे बनाती है बच्चों की तरह। पीली साड़ी पहना दे, हम भले पीली साड़ी में, ये पीली साड़ी। हम चल तय निकाल रही थी अपने जोन, हम दे रहे तो का गायत्री में जाए बेरे पीली होगा पहले। नहीं क्या है साड़ी था। साड़ी पहन तो चलो भाई, देखते हैं दो येलो साड़ी निकालते हैं अगर मिले तो। तो ई वाली पहन ना ले, ब्लाउज देखी कहाँ है। तो मम्मी अपना पिटारा खोली है जिसमें से पीली वाली पहन तो यही। मौसी जी अपना पिटारा खोली, हाँ ये भी अच्छा है। सुना ये पीली पहन को वाली। ना ही भाई, इतनी हैवी साड़ी हम ना पहन रहे। ये हैवी है? हैवी नहीं है मौसी जी, तो हल्का है। उठाइए, इस पे कुछ सितारा उतारा भी नहीं है। जैसा रखे पहने से ना। पीली गले का ब्लाउज बहन होए। हाँ बॉर्डर है तो एक ब्लाउज पहरे परी तो ना पहर मुकाओ के ब्लाउज।
कृपया दोनों बहनें शांति बनाए रहे, मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोग यार दूसरे का हल्दी जा रही है अपने हल्दी, अपने किसी उसके हल्दी में, जिसकी वजह से इतना लड़ाई हो रही है साड़ी के लिए। अच्छा, पहन वो वाली, हाँ ये वाला पहन लो, बल्कि ये आपकी ही दी हुई है। एक तो पहन सका तो यू का नहीं पहन सकती, ये वाली अच्छी लगेगी मौसी जी। इसका ब्लाउज है दे रहे ना? इस कलर का है, बैगनी कलर का, बैगनी कलर का है, बाहर में पड़ा है। देखो तो यहाँ पे न्योता देना रहता है, तो मैं और मम्मी डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी साड़ी दे कौन सी नहीं, तो मुझे ये वाली कम पर रेड वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये वाली, तो मैंने बोला कि मम्मी यही वाली दे दो रेड वाली, ये वाली ज़्यादा अच्छी है, तो मम्मी वही दे रही थी, तो पैक करके रख रही थी ले जाने के लिए। यहाँ पर मैं मम्मी का पल्लू बना रही थी, क्योंकि ये साड़ी थोड़ी कड़ी होती है ना, तो इसकी पल्लू बनाना पड़ता है, नहीं तो जल्दी बनती नहीं है। और यहाँ पर दोनों बहनों की लड़ाई फिर भी चालू थी, पता नहीं कब बंद होगी। तो ये प्यारी वाली नोक झोंक थी, सुनिए आप लोग भी। तो यहाँ पर दोनों बहनों का मेकअप चल रहा है। एक बहन लिपस्टिक लगा, एक बहन जंजीरिया ने पहन बुगा पहरा तो वही तो देखा था ही कहाँ भी। एक बहन चूड़ी पहन रही है, एक बहन अपना बढ़िया लगा अभी एकदम स्टैचू कर यार। देखो दो दो हीरोइन, चलो ठीक है जाओ, आओ दोनों जने साथ है। तो मम्मी लोग चली गई थी और मैं सोची कि मैं पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि काम अभी बाकी था, तो मैं फटाफट पूरा सफाई कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा काम बाकी था तो वही सब मैं सही कर रही थी, तो फटाफट करके मेरा हो गया, क्योंकि पूरा चीज़ ही गंदा पड़ा था। क्या कर रहे थे तुम मेरे वीडियो में? मम्मी आओ इधर इधर बैठ के बात किया करो। अब बोलो क्या बोल रहे हो? रेटू को दो दो बिल्ली आई थी खाने के लिए। क्यों? दो दो बिल्ली आई थी। हाँ उसको देख लेती तुपके देख लेते तो आप तब तक भाग क्या है? फिर रेटू को अंदर बंद की, फिर बालकनी साफ की। दो बिल्ला आए थे, दो बड़े बड़े, और उसकी मम्मी और उसका बेटा। दोनों आए थे खाने के लिए रेटू को। उदली तो पाया करो उदली। साफ सफाई कर लिया था, साफ सफाई करने के बाद मैं यहाँ पे आई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या बनाया मैंने बनाया है। तो मैं दिखाती हूँ, तो मैंने बनाया है गोभी आलू की सब्जी, और आटा मैंने गूंथ के इधर रख दिया है, जब सब लोग खाएंगे तब बनाओ। और यहाँ पे मैंने चाय बना दिया है मम्मी के लिए, मेरे लिए, मौसी जी के लिए, तो मैंने चाय बना दिया था क्योंकि रात हो गई थी, तो मैं सोची फटाफट चाय दे देती हूँ, चाय वो लोग भी नहीं आए थे तो मैंने भी नहीं पिया था, तो चलो चाय पीते हैं पहले। लो आप लोग अपना चाय पकड़ो, ये महिला पूरा चौक पूरा चाय पकड़ रही है। ये महिला कौन है? मैं हूँ। क्या कर रही हो? वीडियो बना के डाली थी। तो चलो चाय पी लो, चलो
मैं भी यहाँ रख देती हूँ अपने। चाय के साथ कुछ गर्मा गर्म नहीं। आज रेटू की जान खतरे में है क्योंकि दो बिल्लियाँ इसके पीछे पड़ गई हैं बेचारे के। और राज साहब बन के घूमो, क्या हो गया? इधर दो महिला चाय पी रही हैं। मैं जा रही हूँ हॉल में, जा रही हूँ हॉल में क्योंकि मैं कब से थक चुकी हूँ, तो थोड़ी देर आराम करूंगी। बालकनी देखी है आप? अभी बहुत भयानक डांट पड़ी है तो देखो कैसे गुस्सा के लेटा है। देखो ये, देखो ये बाल चबा रहे थे तो इनको मैंने डांटा, इनके मुंह में से जबरदस्ती पकड़ के निकाला, मेरे बिस्तर पे चढ़े थे तो देखो कैसे, देखो गुस्सा के कैसे पड़े हैं। क्या हुआ हाँ बोलो। अब बाबू को दिखा दे। डांट पड़ गई क्या तुमको? काट नहीं रहा मुड़ी ऐसे झटका के, मुझे पकड़ क्यों रही है? डांटी क्या मैं तुमको? चलो नहीं डांटूंगी, गंदी आदत क्यों करते हो तुम? हाँ बोलो। गुस्सा की तरह गंदी आदत क्यों करते हो तुम? मन ही के सारे इनका का इतना समझी जितना इनका समझता है। काजल डांटी गाना है तो तुम आते। अरे चलो नहीं डांटूंगी अब, सही से बैठ जाओ, मुड़ी मत पटको, नहीं डांटूंगी। तो ये इनकी कितना ना खड़ा हो गया। आज मैंने इनको डांट दिया था तो इसलिए इनका मुंह बना हुआ है। देखो कितने गुस्सा में है, कितने गुस्से में है, तो इनको मनाना पड़ेगा, इनको दुलार करना पड़ेगा तब ये मानेगा। देखो कैसे गुस्सा होके बैठा है। तो चलो इनको मनाती हूँ और मैं ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो रेटू, बोल दे बेटी, मुझे नहीं डांटूंगी, बोल दे।